बात करते हैं पुष्कर सिंह धामी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा रद्द हो गया है। नैनीताल में बादल फटने के कारण ये दौरा रद्द कर दिया गया है। आपदा ग्रस्त क्षेत्र का हवाई निरीक्षण कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार दो दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, भूस्खलन हो रहा है। इसको लेकर आपदा कंट्रोल रूम में जाकर बैठकें भी कर चुके हैं मुख्यमंत्री और उन्हें आज दिल्ली भी जाना था, लेकिन उनका ये दौरा रद्द हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली का दौरा रद्द हो चुका है। आज उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर नैनीताल में बादल फटने के कारण जो है कई लोगों की जान चली गई, उसके बाद अब दौरा रद्द कर दिया गया है मुख्यमंत्री का। आपदा ग्रस्त क्षेत्रों का अब वो हवाई निरीक्षण कर रहे हैं, इसीलिए दिल्ली का दौरा उनका रद्द हो गया। जो जो क्षेत्र ज्यादा प्रभावित है वहां पर खुद जाकर वो हवाई निरीक्षण कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं कि कहाँ स्थिति किस तरीके से है, और जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए पहले ही निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इस वक्त देहरादून से अभय कैंतुरा फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अभय, जो हालात हैं उसके बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली का दौरा रद्द करना पड़ा। इस प्रकार से प्रदेश में इस प्राकृतिक आपदा ने अपना कहर बरपाया है और पूरे प्रदेश भर जाएगी अधिकतर भी देखा सबसे ज्यादा जो आपका जो क्षेत्र है आपका नैनीताल जनपद उस क्षेत्र का हवाई परीक्षण इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। और इसी आपदा को देखते हुए जिसके दो दिन से लगातार बारिश हो रही थी, इसी आपदा को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अपना दिल्ली का दौरा है वो अपना यहाँ पर स्थगित किया है। और अभी फिलहाल ये कह सकते हैं कि आपदा के जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है उनका प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अब है आखिर कितने बजे उनको दिल्ली जाना था, और अगर आज का दौरा रद्द हो गया है तो क्या आगामी दौरे के बारे में कोई जानकारी? तो मुख्यमंत्री को आज सुबह अपना 11 बजे का मुख्यमंत्री के जाने का कार्यक्रम था जिसमें उन्हें दिल्ली जाना था। पार्टी संगठन की मीटिंग थी, पार्टी के द्वारा उन्हें बुलाया गया था और विभिन्न चुनाव को लेकर विभिन्न विषय को उन विषयों को लेकर बातचीत यहाँ पर करनी थी, लेकिन जिस प्रकार से मौसम बीत गया, यहाँ पर मिला भारी बारिश रास्ता यहाँ पर चल रही है, कोई जानकारी इस बारे में क्या वर्चुअली बैठक में हिस्सा लेंगे? बिल्कुल, अभी तक कोई ऐसी जानकारी यहाँ पर मुख्यमंत्री कार्यालय से नहीं आई कि किसी प्रकार की वर्चुअली बैठक के जरिए वो अपने पार्टी नेताओं से बातचीत करेंगे, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो अभी तक की जो स्थिति प्रदेश भर में उभरी है उन सब चीजों को लेकर केंद्र को जरूर राज्य सरकार की तरफ से अवगत यहाँ पर कराया जा रहा है। आज सुबह भी खुद फोन पर मुख्यमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री को बातचीत यहाँ पर हुई है। प्रधानमंत्री ने प्रदेश में जो आपदा की जो स्थिति है उन चीजों को जाना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि किस प्रकार से राज्य सरकार यहाँ पर काम कर रही है और जो आपदाग्रस्त जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में किस प्रकार से राहत और बचाव के काम यहाँ पर सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आपदा की पूरी जानकारी यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों से भी ली जा रही है और उस जानकारी को आगे केंद्र तक पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। जी शुक्रिया अभय कैंतुरा तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम का दिल्ली दौरा रद्द हो गया है, जो आपदा आई है उसके बाद वो हवाई निरीक्षण करेंगे और अभी ये तय भी नहीं है कि दिल्ली का अगला दौरा कब होगा। उन्हें यहाँ पर एक चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेना था।